नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत है आपका हमारे चैनल हैक्स ऑफ लाइफ पे। आज मैं रिव्यू करूंगा रॉकेटेक की तरफ से आने वाले ब्लूटूथ अडैप्टर्स का, जो कि आपके पुराने से पुराने पीसी को जो है ब्लूटूथ इनेबल्ड बनाने के लिए हेल्प करते हैं। काफ़ी बढ़िया और चीप रेट में आपको ये अडैप्टर मिल जाते हैं। दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप इन्हें बड़े आसानी से परचेज जो है कर पाएंगे। ये जो अडैप्टर्स है, ये एक तो विंडो XP और विंडोज 7 जैसी पुरानी विंडोज़ के लिए, और यदि आपके पास विंडोज 8 और 10 है तो आप राइट वाला अडैप्टर जो है चूज़ कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप इन्हें परचेज कर पाएंगे। सबसे पहले यदि मैं लेफ्ट वाले की बात करूँ, तो आप अपने कंप्यूटर को ब्लूटूथ वाला बना सकते हैं। ब्लूटूथ 4.0 के साथ कंपैटिबल है, और राइट वाला भी जो है दोनों ही फीचर्स के साथ आता है। लेकिन यदि आपके पास विंडोज 8 या 10 है या विंडोज 7 के कुछ लेटेस्ट वर्जन है, तो उसमें ये जो है काम करता है। प्लग एंड प्ले है, काफ़ी ज़्यादा आसानी से यूज़ करना। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या क्या खासियत है, दोनों के बारे में मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। राइट वाले में खासियत ये है कि ये जो है प्लग एंड प्ले, यदि आपके पास विंडोज 8 और 10 है तो आपको बस इसे डाल देना है और ये अपने आप काम करना शुरू कर देगा बिना किसी भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के। और यदि मैं लेफ्ट वाले की बात करूँ, तो ये आप देखते हैं इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा विंडोज XP और 98 या विंडोज 7 के लिए। हालांकि बाकी विंडोज यदि आपके पास 8 और 10 है तो उसमें ये प्लग एंड प्ले है। लगभग आपको 80 फीट तक की इसमें आपको जो है रेंज मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया। आप एक साथ जो है सेवन ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्ट कर पाएंगे, जो कि मुझे इसका काफ़ी बढ़िया फीचर लगा। काफ़ी साइज में ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ब्लूटूथ 4.0 के साथ कंपेटिबल है और मिनिएचर साइज है, तो आप देख सकते हैं साइज जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा है और काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और इसका आपके PCB डिलीवर का पता भी नहीं चलता। लगभग आपको 800 रुपये अमेजोन पर कॉस्ट करेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीछे की तरफ आपको थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, और ये जो है ये यदि आपके पास विंडोज 8 और 10 है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपको सबसे पहले एक मैनुअल मिलती है और साथ में मिलती है डोंगल। डोंगल जो है काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज की है, उसी की तरह रॉकेटेक लिखा हुआ है ऊपर की तरफ। ये आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा मुझे डिज़ाइन इसका काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। यदि आप इसे खरीदना चाहें तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। रॉकेटेक एक तरफ लिखा गया है, ये जो है प्लग एंड प्ले है यदि आपके पास विंडोज 8 और 10 है। यदि आप कुछ भी पेयर करना चाहते हैं तो आप इस ट्यूटोरियल को भी पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने वीडियो के अंत में ये सारा कुछ जो है सिखाया कि आपको किस प्रकार जो है इसे यूज करना है। कंप्यूटर के साथ इसे कनेक्ट करना प्लग एंड प्ले, आपको कुछ भी नहीं करना है। और यदि आपके पास विंडोज 7 है तो आप इसका सॉफ्टवेयर भी जो है ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे इनकी वेबसाइट से। तो यदि आप इसे पढ़ना चाहें तो पोस्ट करके बड़ी आसानी से पढ़ पाएंगे। हालांकि इस बारे में सारी जानकारी मैं आपको वीडियो के अंत में जरूर दूंगा। तो ये सारा ट्यूटोरियल है कि किस प्रकार आपको अपने सेलफोन को जो है ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है और अपने पीसी के साथ आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे वाले पर। ये वाला जो है यदि आपके पास विंडोज़ XP और विंडोज 7 है या विंडोज़ 98 या कुछ पुरानी विंडोज़ है उस पर ये काम करता है। इसके साथ आपको ड्राइवर की जो है CD मिलती है, तो इसके लिए आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे यदि आप एक पुरानी विंडो पर यूज़ करें। और यदि आप विंडोज 8 और 10 यूज़ करें तो ये भी जो है प्लग एंड प्ले ही काम करता है, इसके लिए आपको कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसे विंडोज 7, 8 पर टेस्ट किया और ये प्लग एंड प्ले था, और विंडोज XP पर आपको जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। साइज़ आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है इसका, और देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने PC पर और देखते हैं कि किस प्रकार आपको इन दोनों को जो है यूज़ करना है। ये मैं आ चुका हूँ अपने PC पर। सबसे पहले आपको जो है अपने अडैप्टर को PC पे प्लग कर देना है, और ये जो है विंडोज 10 है मेरे पास, तो ये काम करना शुरू हो चुका है। मुझे कोई भी ड्राइवर की इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन यदि आपके पास एक पुरानी विंडोज है तो आप क्या करें, CD को डालें और इसे DVD ब्लूटूथ डिवाइस ड्राइव को जो है ओपन कर लें। ऑटो प्ले ओपन करके आपके पास जो है आपको रन सेटअप पे क्लिक कर देना है। रन सेटअप पे क्लिक करने के बाद आपके पास सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, और सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आपको उसे रन कर देना है, और इसे जो है ओके कर दीजिए आप। उसके बाद जो है ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरी हो जाएगी। हालांकि मैं इसे जो है कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे डिवाइस में पहले से जो है इसके ड्राइवर्स हैं, तो इसलिए मैं इस पर इंस्टॉल नहीं करूँगा। और यदि आपके पास विंडो XP था उससे पुरानी विंडो, तो आप इस प्रकार जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाएंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि आपको किस प्रकार एक नया डिवाइस जो कनेक्ट करना है। आप राइट साइड आप ऐड ब्लूटूथ डिवाइस में क्लिक करें, और आपके पास जो है सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। विंडोज 7 और XP भी ये इसी प्रकार काम करता है। आप यहाँ पे ऐड ब्लूटूथ और अदर डिवाइसेस पे क्लिक कर दीजिए। इस
पे क्लिक करते ही आपके पास जो है ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ये मैंने एंड्रॉइड ब्लूटूथ पहले से पेयर करके रखा है और अब हम नया डिवाइस जो है कोई पेयर करेंगे। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ पे क्लिक कर देना है। ब्लूटूथ पे क्लिक करने के बाद ये सर्च करना स्टार्ट कर देगा और आप जिससे ES20BT मेरे ब्लूटूथ ईयरफोन्स जो है वो दिखना शुरू हो चुके हैं, तो मैं उन पर क्लिक कर देता हूँ, ये कनेक्टिंग पे जाकर कनेक्ट हो जाएंगे। बड़ी आसानी से ये कनेक्ट हो जाते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, नीचे आप देख सकेंगे कनेक्टेड वॉइस और म्यूजिक जो है लिखा आ चुका है। उसके बाद यदि ये काम करना शुरू कर देते हैं तो बहुत बढ़िया, क्योंकि कर देते हैं। लेकिन यदि आप ये नहीं काम कर रहे तो आप साउंड सेटिंग में जाइए और इन्हें डिफ़ॉल्ट डिवाइस जो है सेट कर दीजिए। कई बार ये डिफ़ॉल्ट डिवाइस सेट जो है नहीं होते। आप सबसे पहले हेडफोन्स अपने चूज़ कीजिए और राइट बटन पर क्लिक करके आप उन्हें शो सेट एज डिफ़ॉल्ट डिवाइस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ये सेट एज डिफ़ॉल्ट डिवाइस है, तो यहाँ पर मैं इन्हें चेंज कर देता हूँ पहले। तो कई बार कुछ इस प्रकार की सिचुएशन हो सकती है, तो आप अपनी साउंड सेटिंग्स खोल कर इन्हें डिफ़ॉल्ट डिवाइस बना दीजिए और इनसे जो है आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से इसकी रेंज जो है काफ़ी बढ़िया काम करती है। और यदि आप कोई भी अपना डिवाइस पे करना चाहें तो आप एडाप्टर डिवाइस पे अपना मोबाइल कनेक्ट कर दीजिए और उसके बाद सेंड और रिसीव फाइल पे क्लिक कर दीजिए। आप अपना डिवाइस चूज़ कीजिए, आप अपनी फाइल चूज़ कीजिए जो भी आपको सेंड करनी है। जैसे यहाँ पर मैं ये गाना चूज़ कर लेता हूँ और इसे ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। कनेक्ट होने के बाद ये फाइल जो अपने आप जाना जो है स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी बढ़िया तरीके से फाइल सेंड हो जाती है, आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी फास्ट ट्रांसमिशन होता है, आप मोबाइल में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार फाइल आप आती हुई देख सकते हैं कि फाइल आ रही है। इस प्रकार से जो है आप फाइल ट्रांसफर कर पाएंगे काफ़ी आसानी से यूज़ करना। मुझे उम्मीद है आपको ये डिवाइस पसंद आए होंगे। यदि आप इन डिवाइसेस को परचेज करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे दोनों में ही आप देख सकते हैं। यदि आपको अपनी विंडोज़ के हिसाब से आप चूज़ कर लीजिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आप चूज़। अब यदि मैं बात करूँ अपने फाइनल रिव्यू की, तो मुझे जो है डिवाइसेस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फाइल ट्रांसफ़र आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया और फास्ट तरीके से ट्रांसमिशन हो जाता है, और पुराने से पुराने विंडोज़ पर जो काम कर लेते हैं वो मुझे कंपेटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप इन्हें बड़ी आसानी से परचेज कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप इन्हें खरीदना चाहें तो नीचे से आप खरीद पाएंगे।